आ जाओ भाई। देखो, इससे पहले आपने देख ली थी एक वीडियो आपकी जो थी, वो मैथ की आपने पढ़ ली थी, और स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अमर है, बाबू है, और शेरा है और दिया है। ठीक है, तो ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, उन बच्चों को लग रहा होगा जिन्होंने आज तक मतलब अभी तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं दिया होगा। ये एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, रीजनिंग का। ठीक है, मैं पहले मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसा लग रहा होगा, पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है, एनटीपीसी के बारे में बोल रखा, तो रीजनिंग की वीडियो एक लेट हुई, वजह क्या है, शूट नहीं हो पाई थी, कुछ कारण हो गया, इस वजह से शूट नहीं हुई, और आपका बड़ा सहयोग रहा कि जो मैथ की वीडियो हमारी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की 20 क्वेश्चन या एक चैप्टर में, एक सेट में जितने भी क्वेश्चन होंगे, 20 21 या जितने भी होंगे, वो सारा हम एक साथ लेंगे। तो इस वीडियो में हमारी रीजनिंग की वीडियो है ये, और आप जरूर बताइए कि कैसी लगी। हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हर टॉपिक को लेने की, मतलब रीजनिंग भी, मैथ भी, जीएस भी, करंट अफेयर्स, सब कुछ लेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। जैसा आपने वो वीडियो देखी, बहुत बच्चों तक पहुंचाई, तो एनटीपीसी वाले बच्चे इतने, आपका 15 दिसंबर आ रहा है, और दिसंबर जनवरी काफी लंबा एग्जाम चलेगा ये एनटीपीसी का, तो इसमें क्या करना होगा, मैं सारा सिलेबस आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है सारा इतने वन बाय वन करके कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है भाई, आते हैं अब हम अपने रीजनिंग के क्वेश्चन पे। इसमें दो तीन क्वेश्चन है, और ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट, 2, 3 और 4। अब इसमें बहुत सारी थ्योरी दी हुई है, थ्योरी देखते हैं क्या है। वो कह रहा है, हमारे बाबू है, सेरा है और दिया से कहा कि वे 4 पर्सन बहुविकल पे वाले पर्सन पत्र को हल करें, जिन्होंने 1 से लेकर 4 तक क्या दिए, ऑप्शन दिए हुए हैं, और ये उन्होंने चिन्ह कर दिया। उसने कहा बाबू के सभी पर्सन गलत है। कहा है बाबू, ये बाबू है, इसके सारे के सारे पर्सन क्या है भैया, गलत है। अमर के 2 जवाब निश्चित रूप से गलत है। अमर जो है, अमर के 2 जवाब, अमर जो है उसके 2 जवाब गलत है, बाबू के सारे गलत है। इधर देख लो भाई, उसने कहा है दिया के 2 उत्तर सही है, दिया के राइट उत्तर है बराबर 2, वो कौन से भी हो सकते हैं, लेकिन उसका चौथा उत्तर, जो चौथा उत्तर है दिया का, दिया के बराबर यहां लिखो, जो चौथा उत्तर है वो क्या है, गलत है। क्लियर हो गया भाई, समझ आ रहा होगा, इतनी बातें जो मैंने बताई वो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। अमर ने दिया को केवल एक ही उत्तर सही है, अमर का भी एक ही उत्तर सही है, और किसका, दिया का, सॉरी, अमर में सेरा का, इसका भी एक ही उत्तर सही है। इसे लिखता हूं अमर और आपका सेरा बराबर एक उत्तर सही है। क्लियर हो गया, एक एक प्रश्न क्या है भाई इसके, सही है, इतनी बात समझ आएगी। अब उसने 3 क्वेश्चन दिए हुए, वो कह रहा है जिसका Q4 का उत्तर सही है वो बताओ। तो अमर के 2 उत्तर क्या थे, गलत थे, Q4 सही है, और अमर का एक उत्तर सही है, और सेरा का भी क्या है, एक उत्तर सही है। क्लियर हुआ, तो अमर के 2 उत्तर गलत है, तो अमर का जो क्वेश्चन मतलब वो कह रहा है Q4 किसका सही है, तो अमर के 2 गलत है, समझ रहे हो ना, तो 2 गलत है, 3 गलत है, और हो गया रे 2 गलत हो गया, तो कौन सा उत्तर आया, अमर का क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ए, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख जाएगा आपको, तो अमर का Q4 उत्तर जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है सेरा का कौन सा उत्तर सही है, सेरा का केवल एक उत्तर सही है, और वो कौन सा है, Q2, समझ गया ना, 2 तो इसके गलत, पहला परिभाषा पढ़ लिए थे, तो इसका क्या है, Q2 सही है। अब दिया के कौन सा उत्तर सही है, और दिया के कितने उत्तर सही थे, 2 और 4 गलत था, तो 3 और 4, सॉरी 1 और 3 क्या है, सही थे। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई, क्वेश्चन की परिभाषा को जब आप देखोगे अगले प्रति सेट में, उससे अगले प्रति सेट में, इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ बच्चों को पहली बार देखने को मिला होगा शायद, तो एक दो बार आप इसे आराम से वीडियो को देखिए जो मैंने बताया, बिल्कुल सही बात बताई है, और जब आप देखोगे वीडियो को तो समझ में आ जाओगे मैं क्या बात बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, तो सब बच्चों का क्लियर होना चाहिए, क्लियर होगा होगा मुझे उम्मीद है, आगे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, उसने कराया इनमें से जो अनोखा है उसे बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट का अनोखा है, 1 है 8 है 27 है और 36 है, 125 है
और दूसरा सुर है, कौन सा अनोखा है, मतलब अलग है, भिन्न है, वो हमें बताना है। अरे माइक में लगा हुआ है तो मैं तेज बोल रहा हूँ। ये एक का क्यूब, ये दो का क्यूब, ये ये तीन तीन का क्यूब, अब ये पांच का क्यूब और ये छह का का क्यूब, क्या भिन्न है? 36। 36 भिन्न है। क्लियर हो गया? क्या भिन्न है? 36 भिन्न है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर में पांच पाया भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसे टॉपिक वाइज भी लूंगा मैं, दिल्ली पुलिस के लिए रीजनिंग की 40 वीडियो देनी है भैया, वो एक दो मतलब जल्दी ही सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, तो बेटा एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, तो मैं आपको बता दूं, यदि मेल है तो उसे हम त्रिभुज से प्रदर्शित करेंगे और फीमेल है उसे वृत्त के साथ। क्लियर? उसने कहा राज, एक लड़की की और इशारा करते हुए राजीव ने कहा, तो एक आपका ब्रैकेट है और ये क्या कह रहा है, इशारा करते हुए किसी की साया और एक लड़की है उसकी ओर इशारा करते हुए क्या कहता है, यह मेरी बहन के भाई के पिता की एकमात्र पुत्री, यह मेरी बहन, ये जो लड़की है, राज बहन के लिए बराबर लगाएंगे, मतलब यदि सिस्टर है या ब्रदर है, ब्रोदर या सिस्टर के लिए बराबर का निशान लगेगा, और हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड बराबर यदि वाइफ है उनके लिए हम प्लस का निशान लगाएंगे, मतलब आपको ये ऐसे नहीं लगाना था मुझे, इनके लिए तो बराबर का निशान लगेगा और हस्बैंड वाइफ के लिए हम प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक है भाई, तो मैं क्वेश्चन तो आपने मैंने पढ़ा, आपको समझ आ गया होगा, आपने कर दिया होगा, फिर भी मेरा फर्ज है मैं समझाऊं उसे। वह कह रहा है यह मेरी बहन के भाई के, इसकी कोई इधर क्या है, एक बहन है, ये जो लड़की है, ये जो लड़की है किसकी, राजीव की, और इसकी क्या है, यह मेरी बहन के भाई, बहन का कोई इधर कर लो यादव, बहन का कोई क्या है, भाई के पिता की, भाई का क्या, पिता के लिए क्या करेंगे, ऊपर पिता की एकमात्र पुत्री, पिता ये फादर हो गया और पिता की एकमात्र पुत्री, तो ये जो लड़की है वो स्वमी होगी, एकमात्र पुत्री वो लड़की क्या होगी, स्वम होगी, तो ये बराबर क्या रहा, बहन भाई का रिश्तेदार है, तो अगर यदि ऐसा है तो उस लड़की का राजीव के साथ क्या संबंध है, तो उस लड़की का राजीव के साथ बराबर का जो रिश्ता है, इसकी ओर इशारा करते हुए कह रहा था, ये लड़की खुद वो होगी जिसका नाम दिया था और जिसका इशारा कर रहा था, तो ये क्या होगी, उसकी बहन होगी। क्लियर है भाई, तो ब्लड रिलेशन है, बहुत आसान सा है, तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, छह में तीन चार क्वेश्चन दिए भैया, छठा क्वेश्चन कह रहा है, आपकी ओर चेहरा किए हुए पांच लड़कियां सामने बैठी है, मतलब हमारे तरफ चेहरा है उनका और पांच लड़की है, ठीक है भाई, इधर को वो कह रहा है, रूही और मनाली क्रम से ऊर्जा के दाएं व बाएं बैठी है, किसके, ऊर्जा के, ऊर्जा है और यहां रूही बैठी है और यहां मनाली, मनाली व तानिया के बीच में धमनी है, यहां होगी धमनी और यहां होगी तानिया, ठीक है भाई, वो कह रहा है तानिया के दाएं ओर कौन बैठी है, तो ये हमारे साइड को इशारा करके बैठी है, मतलब जैसा मेरा है इधर को इशारा करके बैठी हुई है, मतलब हमारी साइड को मोह है उनका, वो तानिया के दाएं ओर, तो तानिया के दाएं ओर कौन है, धमनी। धमनी, पहला क्वेश्चन हो गया इसका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पंक्ति के बीच में कौन बैठी है, तो बीच में बैठी है, दूसरा क्वेश्चन सातवां, ये छठे का उत्तर हो गया, सातवें का उत्तर ये हो गया आपका मनाली, वो कह रहा है धवनी और रुई के बीच कितनी लड़की है, धवनी दो। और रुई के बीच में कितनी लड़की है, तो क्वेश्चन नंबर आठ का उत्तर हुआ, क्वेश्चन नंबर जो आपका आठ है उसका उत्तर कितना हो गया, दो लड़की है ऊर्जा मनाली, ठीक है भाई, तो इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया, उलझे हुए वर्ड दिया हुआ है आगे पीछे, ठीक
ठीक है भाई, चलो तो क्रिकेट प्रेमी हैं तो क्रिकेट क्वेश्चन बता के दिया है। नौवो क्वेश्चन कह रहा है, उलझे हुए एक शब्द दिया हो भैया, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मार्कर चेंज कर लो भाई। ठीक है, वो कह रहा है CCITRKE, उलझे शब्द को सुलझाइए जिससे ये वह एक अंग्रेजी का सही शब्द बन जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा क्या है, महेंद्र सिंह धोनी बन गए। फिर सुलझे शब्दों का पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो बेटा क्या बन रहा है चीनू? क्रिकेट। क्रिकेट। ठीक है, सी आर आर आई आई सी सी के के ई के ई टी, पी क्या हो गया? क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट हो गया। ठीक है भाई, तो कह रहा है पांचवा अक्षर बताइए सही। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवे पे क्या होगा? के। तो इसका उत्तर क्या होगा? के। क्लियर है भाई, बात समझ आ गई? क्लियर है। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है और आपका तो एग्जाम NTPC का इसी लेवल का आ जाएगा जो पेपर चल रहे हैं भाई। थोड़ा 19-20 हो सकता है, इससे बाहर नहीं आने वाला। और वीडियो कैसे लगी बस आप बता दीजिए, हम तो पढ़ने का काम भैया। वो करण, यदि निम्नलिखित घटनाओं को घटते हुए क्रम में रखा जाए तो कौन सी सही है? पहला दे रखा है जो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट पे लेके, या क्वेश्चन लिख लूँ पहले, 4456। दूसरा है 4465। तीसरा है बेटा 4655 और 4655, 4665 और 4565। ठीक भाई, 4565। वो कह रहा घटते हुए क्रम में लिखो, तो पहले क्या लिखा जाओगा? सबसे पहले लिखा जाओगे सबसे बड़ी संख्या, घटते हुए क्रम में लिखो। पहले लिखा जाओगे 4665, फिर लिखा जाओगे 4655, फिर 4465, फिर 4465, फिर 4456। ये होगा घटता हुआ क्रम। इनमें बीच में कौन सी संख्या आएगी? 4565। देख लो भाई, इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 10 क्वेश्चन होंगे और बचे, इन डाल लो बेटा इसमें मार्कर में। ये बिलो मार्कर ला दो उधर से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 11वां क्वेश्चन, चलो इससे कर लेंगे। मोहन रोहन से लंबा है, तो ये आपका जो भाई मोहन है वो क्या है? रोहन से लंबा, लंबे के लिए मुंह खुला हुआ रहेगा, इसका पढ़ा रखा होगा आपको किसी टीचर ने, यदि आप नहीं मतलब पढ़ रखा होगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांस से ठगना है, तो ठगना होगा फ्रांस, मतलब फ्रांस से ठगना है, तो मोहन के बारे में बात चल रही है, फ्रांस से ठगना है। कानन मोहन से ठिगना है, कानन मोहन से ठीकना है, तो यहाँ आगे कानन, उसने आगे बोल रहा होगा, लेकिन वह रोहन से लंबा है। बिल्कुल सही, शंकर रोहन व फरहान से लंबा है, तो यहाँ आगे आपके शंकर जी, यहाँ कौन आगे? शंकर आगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन 11 है, इधर लिख लो। तो वो कह रहा है इनमें सबसे लंबा कौन है, इनमें सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन हुआ? शंकर। शंकर। क्लियर है भाई, समझ आ रहा होगा ना? बहुत बढ़िया, 11 क्वेश्चन कर लिए। 12वां क्वेश्चन, 11 कर लिए, 12वां क्वेश्चन। 12वां कह रहा है 6 है 12 20 30, यहाँ क्या आएगा? और यहाँ 56 है और यहाँ 72 है, यहाँ 56 और यहाँ 72 है, तो इसमें कितने जुड़ रहे बेटा? 6, दुनी नहीं हो रहा, दुगुना नहीं हो रहा है, 6 जुड़े। फिर यहाँ कितने जुड़ रहे? 8 जुड़ रहे, तो यहाँ 10 जुड़ने चाहिए, बिल्कुल सही जुड़ रहे हैं। यहाँ कितने जुड़ने चाहिए? 12 जुड़ने चाहिए, तो 30 प्लस 12 बराबर बेटा 42। फिर 14 जुड़ने चाहिए, तो 14 जुड़ रहे। फिर 16 जुड़ने चाहिए, तो 16 जुड़ रहे। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया हुआ है, इनमें ज़्यादा कुछ बात नहीं है, इन क्वेश्चनों में ज़्यादा बात नहीं है। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं।
तो ये वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए। हम आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है आपके कौन से NTPC के ग्रुप डी के, वैसे NTPC का एग्ज़ाम है ये, और कब है 28/3/2016 स्विफ्ट फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, मार्कर चेंज कर लिया मैंने, चेंज हो गया मार्कर, और मार्कर चेंज हो गया मतलब बिलो आ गया। यदि ए बी का पुत्र है, उसने कहा है ए पुत्र है, तो ए सन है किसका, बी का। बात समझ आ रही है, दिख रहा है ना, ब्लू मार्कर है, थोड़ा न्यू है अभी। तथा वह सी का पिता है, सी का ही पिता है, सी का पिता है, तो सी का भी हमें पता नहीं, सी का पिता है, तो सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध है। तो तीन पीढ़ी होगी आपकी, ये यहाँ से एक पीढ़ी एक पीढ़ी एक पीढ़ी, तो सी का हमें उसने ये नहीं बताया कि वो मेल है या फीमेल है। बच्चों क्लियर हो गया, सी का हमें ये नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। उसने कह दिया, एक बार दोबारे से कोशिश करूँगा समझाने की, यदि ए बी का पुत्र है, ए पुत्र है, यहाँ ये तो पता चल रहा किसका है, बी का है, अब बी कौन हो सकता है पता नहीं। तथा वह सी का पिता है, ए जो है सी का पिता है, तो सी का इसका बी से क्या संबंध है, तो सी का बी से, सी का बी से, तो पिता नहीं हो सकते, एक पीढ़ी पुत्र नहीं हो सकता, दादा दादी या पोता पोती, क्लियर हो गया। तो कह रहा है तो सी का बी से, सी का बी से, तो इसकी ये या तो ये पोती होगी या इसका पोते होगा। यदि वो पूछ ले बी का सी से क्या संबंध होगा, या तो दादा होगी या दादी होगी, ठीक है भाई, या तो दादा होगा या दादी होगी, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था 13, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखते हैं, 14 कह रहा है ए एम ई आर आई सी ए बराबर लिखा 17/34/65/1, आई एन डी आई ए बराबर है 68/96/1, सी ए एन ए डी ए बराबर बता रहा है इंडिया अमेरिका और कनाडा। तो भैया सी का कोड क्या दिया हुआ है, तो सी बराबर दर्शाया गया है 5, ए बराबर क्या है 1, एन बराबर इसमें आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से जो एन आ रहा है वो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ए कितना आ रहा है भैया, ए यहाँ से भी एक आ रहा है और इधर से भी एक आ रहा है और इधर से भी एक आ रहा है, डी बराबर कितना आ रहा है, डी बराबर 9 आ रहा है और ए बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, क्लियर। बिलो मार्कर भी समाप्ति रहा पैर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, समझ आ गया होगा, रीजनिंग के ज़्यादा बड़े तो क्वेश्चन है नहीं, और ज़्यादा कुछ आना नहीं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज पहली वीडियो है रीजनिंग की, मतलब आपकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, तो जैसी भी बनी है आप थोड़ा सा बताइए, सपोर्ट करिए कि भैया यहाँ का मेरे ही क्वेश्चन जो दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, 15 अगर आपको एक पर्सन और दो कथन दिए गए हैं, यह बताइए कि पर्सनों का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन सही है। पर्सन ने नयन के पास 3 अलग अलग रंगों की 4 टोपियां हैं, क्या है 3 अलग अलग रंगों की कितनी टोपी है, टोपी है 4, टोपी कितनी है 4 अलग अलग रंगों की, तो एक बात बताओ 3 अलग अलग रंगों की कितनी टोपी है 4 है, तो कोई तो उसके पास कुल कितनी, उसके पास कितनी नीली टोपी है, उसके पास कितनी नीली टोपी है, ठीक है। अब उसने कथन दिया, ये तो निष्कर्ष, ये तो पर्सन था, अब कथन दिया, नयन के पास 2 सफेद टोपी, हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, उसके पास नीली टोपियों की संख्या और तीसरा कलर दिया बेज टोपियों की संख्या के समान हो सकती है, हाँ 3 कलर की है, 3 कलर की है टोपी केवल, तो उसमें से क्या है 2 एक कलर की हो सकती है वाइट की, और जो दूसरा कलर दिया हुआ है उसने नीली और दूसरा कलर है बेज, तो उनकी एक समान है, तो जब ही तो 4 होगी, 1 = 1 2 होगी और 2 होगी वाइट, और ये 2 कलर की, तो कितनी है 4 है 2, 1 + 1 = 2 = 4, बात समझ आएगी, तो दोनों ही कथन इसमें से क्या है पर्याप्त है, क्लियर है भाई, दोनों ही कथन क्या है पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, थोड़ा बड़ा करके लिखो, थोड़ा छोटा लिख रहा है भाइयों,
बड़ा करके लिखेंगे लो। क्वेश्चन नंबर 16 भाई, सी ओ डब्ल्यू बराबर है 41, ठीक, और जी ओ ए टी बराबर लिखा है 43, तो डी ओ जी सारे ही जानवर आ गए, ठीक। तो हमें हमारे से पूछ रहा है भैया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है वो अधिकतर पेपरों में, सारे आ रहे हैं। देखो कोई क्वेश्चन किसी चैप्टर से आ रहा, कोई किसी चैप्टर से आ रहा, कहीं कोई चैप्टर नहीं छूट रहा, तो हम भी नहीं छूटवाने के, तो कहीं ना नंबर जोड़ के आ रहा होगा या कुछ आगे पीछे लिख के आ रहा होगा। मैंने अभी कुछ नहीं करा, ना पढ़ा ना कुछ करा। कई बार इसे वो 14 भी लिख सकता है, इसे 34 भी लिख सकता है, तो इन्हें हमें देखना पड़ेगा। ये नंबर मतलब सीधे क्रम में जुड़ रहे हैं यानी कि विपरीत नंबर जुड़ रहे, बहुत कुछ हो सकता है। चलो पहले देखते हैं, सी कितने पे, सी है 3 पे और ये कितने पे, 15 पे और ये 23 पे, जोड़ियो बेटा 41 हो रहा है, जो सीधा जोड़ है इसमें क्या है। तो इन सभी का जो जोड़ हो रहा है भैया, इनका कितना जोड़ हो रहा है, 41 हो रहा है। इस 41 को कई प्रकार से लिख सकता है, 14 भी लिख सकता है, भाग करके भी लिख सकता है, जैसे 3 शब्द है तो इसे भाग करके भी लिख सकता है, गुणा करके भी लिख सकता है, इसे बहुत कुछ लिख सकता है, विपरीत नंबर भी लिख सकता है। तो जी को भैया जोड़ोगे, यहाँ जोड़ लेंगे, जी 7 पे है, ओ कितने पे, 15 पे, और ए कितना, 1 पे, और टी 20, 20 और 1 21 और 7 और 15 43। तो जोड़ने के बाद कितना आया, 43, ये भी सीधा जुड़ रहा है। तो अब कुत्ते को जोड़ लो, डी ओ जी, मतलब वर्ड अजीब से लग रहा है, ये 4 और ये 15 और ये 7, 15 4 19 और 7 कितना हुआ आपका, 26। तो डॉग बराबर कितना हुआ भैया, 26 हुआ। क्लियर हो गया, आपको वैसे भी आता है, पहले से भी आता है, पर क्वेश्चन दिए हुए हैं हमने प्रीवियस क्वेश्चन को रीजनिंग के कराना शुरू कर दिया आपके इसी चैनल पर। तो भैया हम जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन छोटा हो मोटा हो हल्का हो भारी हो कैसा ही हो, हम कराएंगे भैया, और कोशिश रहेगी कि आपको समझ आए, क्योंकि हम भाई अभी हमने रीजनिंग पढ़ाई नहीं है, हम मैथ के उसमें लग रहे हैं ज़्यादातर, कि मैथ का सिलेबस खिंच जाए, क्योंकि मैथ में एक बार बच्चा पकड़ बना लेगा फिर रीजनिंग को लेके चलेंगे। जल्दी मैं रीजनिंग की वीडियो भी शूट करके आप तक पहुँचा दूँगा दिल्ली पुलिस के लिए। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तो हमारी ऐसी सीरीज चलती रहेगी, आरएस अग्रवाल की जैसे चल रही है वो भी चलती रहेगी, और एडवांस मैथ बेटा मैं आपके लिए स्पेशल मैं क्लास लेकर आऊँगा रेलवे के लिए, और रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितने भी है वो मैं कराने वाला हूँ जल्दी से एडवांस की। तो एडवांस वाले जितने बच्चे तो कमेंट्स करके बताओगे तभी मैं पढ़ा पाऊँगा कि भैया हाँ हमारा एग्ज़ाम है रेलवे का, और उनके लिए एडवांस मैथ आप अलग से पढ़ा दो तो मैं अलग से पढ़ा दूंगा, पर तब बताओगे तभी होगा भाई ये काम। क्वेश्चन नंबर 17 वो कह रहा है, जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करा। तो भैया पहले मैं दिशा बता दूँ आपको, कहीं भी आप हो तो इधर हो गया आपका पूर्व, और इधर हो गया पश्चिम, और इधर दक्षिण, और इधर है आपका उत्तर, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, उत्तर किधर है, इधर है, चली। कुछ देर बाद वह बाईं ओर मुड़ी, तो बाईं ओर इधर को मुड़ेगी, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ी, तो फिर ऊपर को जाएगी। इसके बाद वो पुनः दाईं ओर मुड़ी, अब इधर चलेगी। तो कह रहा है अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, एक बार पुनः दाईं ओर मुड़ी, एक बार दोबारा से और करेंगे। अपने घर से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, कुछ देर बाद वह उत्तर को चली, फिर बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ी, फिर दाईं ओर मुड़ी, फिर दाईं ओर मुड़ी, वह बाद में पुनः दाईं ओर मुड़ी, दाईं ओर मुड़ी। तो अब उसका चेहरा किस दिशा में भैया, तो अभी बता दो उसका चेहरा किधर को है, तो उसका चेहरा पूर्व दिशा में। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया 18 से 20 तक एक चार्ट बनाना है और उन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है भाई, करेंगे हम सभी क्वेश्चनों को। मैथ में भी आते हैं, वो कह रहा है 40 छात्रों की एक पंक्ति में टोटल हमारे पास, ठीक है भैया मैथ के तरीके से करूँगा, टोटल है हमारे पास 40, उसमें जो है तमिल जो बोलते हैं वो 28 बोलते हैं, और तेलुगु जो बोलते हैं वो कितने बोलते हैं, वो 30 बोलते हैं। अब 40 है, ये इतने इतने बोलते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं कोई तो ऐसे होंगे जो दोनों भी बोलते होंगे भाई, समझ रहे हो ना मैथ के तरीके से करेंगे। इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाओगे भैया, 58 हो गया। जब ये 58 होगा, टोटल हमारे पास 40 है और हमारे पास जोड़ के 58 आया, तो ये 18 कहाँ से आए, इसमें से 40 घटा दो,
तो 18 ऐसे हैं जो दोनों ही लैंग्वेज बोल लेते हैं। तो इसका अब ग्राफ सा बना दो ऐसे द्विवृत्त से। तो 18 ये ऐसे लोग हैं जो दोनों ही काम कर लेते हैं, मतलब दोनों ही भाषा बोल लेते हैं। अब 28 हमारे पास टोटल है इस व्रत में, तो यहाँ 10 बचेंगे। ये व्रत आपका कैसा है? तमिल का। कैसा व्रत है आपका? तमिल वालों का। और ये कैसा है? तेलुगु। ठीक है भाई। अब आपके पास ये 30 है और 18 आपके कॉमन है, तो ये 12 बचे। क्वेश्चन चुटकी में हो गया, मतलब बहुत आसान तरीके से होगा। जो मैंने बताया इस तरीके से करो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार जब मैं मतलब कोरोना से पहले ऑफलाइन क्लास चलती थी तो ये बात बच्चों को बहुत देर में समझ आती थी। पर अब मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, गति बहुत घटा रखी यूट्यूब के हिसाब से, मतलब ऑफलाइन के हिसाब से। आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आए तो दोबारा वीडियो देखियो। अब इसमें क्वेश्चन है 18, 19 और 20 वगैरह छात्रों की वह संख्या मालूम करे जो केवल तेलुगु बोलते हैं। तो तेलुगु कितने बोल रहे हैं भैया जी? 12। ठीक है, 18 क्वेश्चन का उत्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है छात्रों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो तमिल और तेलुगु दोनों बोलते हैं। दोनों बोलने वालों की संख्या कितनी है? 18। अगला कह रहा है छात्रों की वह संख्या मालूम करे जो तमिल बोलते हैं केवल। तमिल कितने बोलते हैं? तो ये क्वेश्चन 18 का उत्तर है, ये 19 का उत्तर है और ये आपके 20 का। ठीक है भाई, 19-20 का। ठीक है, दिख रहा है ऊपर, बात समझ आ गई। तो अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, 21 भी यही कर दूं, छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, 21 क्वेश्चन है सेट में। एक अंदाजा देखता हूं अगले पेज पे, 28 है, 44 है, 68 है और 80 है और 92 है। वो कह रहा है इनमें जो अनोखा है उसे पहचानिए। तो इसने ऑप्शन दे रखे 28, 44, 80 और 92। अनोखा है जो इनसे क्या हो? अलग हो। क्लियर है? तो अलग सम सारी संख्या है। क्लियर है? सम क्या है? सारी संख्या है। क्लियर है भाई? तो इनमें क्या अनोखा है? इनमें 80 अनोखा है। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ आ गया होगा, एक आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाता है। तो इसका उत्तर क्या है? 80 है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया, 22 और 23 ही है भाई इसमें। ये कौन सा था? इसमें कई सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर बच्चे को लाभ हो जाएगी भैया ये वीडियो, हर बच्चे को, जितना भी जिनका NTPC का एग्जाम है वही देखे ना, और बच्चे ना देखे भैया। और नुकसान तो वैसे कुछ नहीं होने वाला, पर फिर भी यदि आपका NTPC का, तो आप रुचि से देखोगे, सही तरीके से देखोगे। NTPC का एग्जाम नहीं होगा तो शायद आप डिसलाइक करो, बहुत सारी बातें हैं, कमेंट्स थोड़ा नेगेटिव लिखो, बहुत बातें होती हैं। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है आपकी मर्जी है। कथन कह रहा है कुछ पक्षी गधे हैं, वाक्य है क्या है आपके? ये पक्षी हो गए और भैया क्या है? गधे हैं। कुछ पक्षी गधे हैं, सब गधे बेवकूफ हैं। सारे के सारे गधे, मतलब गधों के ऊपर आ जाओगा। और ये क्या करा? बेवकूफ। ठीक है भैया। और उसने कहा है सब पक्षी बेवकूफ है, गलत है। पहला जो तीसरा है ये गलत है, नहीं है। कुछ पक्षी बेवकूफ है, हाँ ये बात सही है। तो कौन सा? केवल 4 सही है। मतलब इन्होंने से क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इस तरीके से आप देख के कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 भी इधर कर दूं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 विद्यार्थी प्रियंका, मेरी, सुनील, आशा व रियान एक कतार में खड़े हैं। वो देख वगैरह, प्रियंका सुनील और आशा से आगे खड़ी है। प्रियंका जो है वो किससे? सुनील और आशा से। चलो पढ़ते हैं, रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है। रियान और आशा के बीच में क्या है? सुनील खड़ा है। तो यहाँ क्या होगी आपकी? आशा, और फिर उसने लिखा है भैया रियान व आशा के बीच में सुनील, तो यहाँ आपका सुनील आ जाएगा। और फिर कौन है? रियान, 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 री है, री, रियान। और फिर एक आगे पढ़ते हैं, सुनील व मेरी के बीच में रियान है। सुनील और मेरी के बीच में कौन है? रियान है। पूछ कर रहा है कतार में सबसे प्रथम कौन खड़ा है? भाई पहले ही पूछ लेता है, इतनी बात तो कर रहा है, पर भैया वो एक करता है सारी बात। क्लियर है? उधर तक दिख रहा है ना बच्चों? दिख रहा है? ठीक है। तो अगर सबसे
प्रथम कौन खड़ा है भैया? ये पब्लिकेशन जो हमारा मेरे हाथ में है, थोड़ा सा बिहार का पब्लिकेशन है, तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है खड़े हैं, खड़ा है। तो मैं तो अपनी लैंग्वेज के अनुसार आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई? तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। इतना कष्ट कर लग रो, कमेंट्स कर दग रो और बता दग रो, ठीक है भाई? बहुत बहुत धन्यवाद।